पूरब से लेकर पश्चिम, और उत्तर से लेकर दक्षिण। बारिश और बाढ़ से आधे हिंदुस्तान में इन दिनों हाहाकार मचा हुआ है। जल तांडव की ये तस्वीरें दक्षिण राज्य केरल के एर्नाकुलम से सामने आई हैं। भारी बारिश के बाद प्रसिद्ध मन्नापुरम मंदिर परिसर पूरा डूब चुका है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को मंदिर में तैर कर जाना पड़ रहा है। बाढ़ से यूपी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। नेपाल से पानी छोड़े जाने के बाद सिद्धार्थनगर के निचले गांव टापू की शक्ल अख्तियार कर चुके हैं। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से सबसे ज्यादा तबाही खैरी शीतल प्रसाद गांव में हुई है। राप्ती नदी का जलस्तर कुछ इसी तरह लगातार बना हुआ है। लोगों का आसरा जो है वो फिलहाल छत बना हुआ है और काफी ज्यादा परेशानी और समस्याओं का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। और एक टापू में तब्दील हुआ ये इलाका साफ तौर से नजर आ रहा है। कुछ लोग हैं इस गांव के जहां पर हम मौजूद हैं, इन लोगों से बात करेंगे। बाढ़ आता है तो आने जाने को दिक्कत होता है, कोई भी यहाँ पर नहीं आता है। सिद्धार्थनगर में राप्ती और बूढ़ी राप्ती भयंकर तबाही मचा रही है। बाढ़ से तकरीबन 400 गांव प्रभावित हैं। कच्चे मकानों ने मानो जल समाधि ले ली। राप्ती नदी के कहर का पानी है वो आप देख पाएंगे कि मेरे घुटने से भी ज्यादा पानी यहाँ पर आपको नजर आएगा। अब तक तकरीबन 400 गांव प्रभावित हैं और इनकी संख्या आने वाले दिनों में बढ़ भी सकती है। तो साफ तौर से और तमाम जो मकान है वो इस इलाके में आपको डूबे हुए नजर आएंगे। काफी ज्यादा खराब स्थिति इस इलाके में रहने वाली लोगों की है। पहाड़ों में हो रही बारिश से वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है। वाराणसी और आसपास के जनपद में जो प्रमुख नदियां हैं उसका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। केवल प्रमुख नदियां ही नहीं बल्कि सहायक नदियों के भी जलस्तर में वृद्धि देखी जा रही है। ये देखिए, ये वाराणसी के घाटों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अब लगभग जो घाटों का संपर्क है वो टूट चुका है। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि छोटी नावों को अब नहीं चलाया जा सकेगा। बड़ी नावों में भी सख्ती कर दी गई है। निर्धारित लोगों के साथ ही सफर करने का आदेश दिया गया है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की हिदायत दी जा रही है। यूपी के उन्नाव में अधिकारी खुद गांव प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। प्रभावित इलाकों में डॉक्टर्स की टीम भी तैनात की गई है। उन्नाव के चंपापुरवा और दूसरे इलाकों में बाढ़ पीड़ितों को राशन बांटा जा रहा है।